हमको तो इतनी टाइम मालूम चला है। इधर सरोज है और इधर हमारे दोनों प्यारे प्यारे भांजे और भांजिया हैं। इधर मेरी दौरानी लड़की है, देख सकते हैं हमको लेके आई नहीं लेकर आएंगे हमको नहीं मालूम दोस्तों। ज्यादा बात कोई पार्टी नहीं है, बस हम लोग हैं और हमारे हस्बैंड है, हमारे बच्चा लोग है। दर्शक फ्रेंड, आज भाभी का बर्थडे है। इतनी टाइम मालूम चला है, मालूम नहीं था, आज रात को मालूम चला है। यानी कि दोस्तों हमारे मम्मी और हमारे पापा लोग दोनों लोग गए हैं। हमारी मम्मी गई हैं राखी बांधने और उनका ननिहाल ससुराल जो है, मतलब मायका जो है नेपाल में है। तो दोस्तों मम्मी पापा से इस समय बात भी नहीं हो रहा, हमारे सास ससुर से बात भी नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर नेटवर्क नहीं, यहाँ का नेटवर्क दूसरा, वहाँ का नेटवर्क दूसरा। और बाकी यही सब व्यवस्था हमारे हस्बैंड जी की है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए और दोस्तों बहुत अच्छा मूवी था। और पवन सिंह भैया के गाने पर हम लोग, मतलब उसी वजह से हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए, क्योंकि कुछ खास नहीं था, बस पवन सिंह भैया का पूरी मूवी में हम लोग वेट करते रहे गाना। हमको बहुत अच्छा लगा, नहीं जी मजा आ गया। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग वेट नहीं कर रहे थे गाने का, बहुत ही और दोस्तों आज हमारा जन्मदिन है और हम बहुत खुश हैं पूरे फैमिली के साथ। बस आप लोग ऐसे ही प्यार व्यार अपना दीजिए और आशीर्वाद बनाए रखिए। पहले ही पता था, हाँ टिकट तो हमको नहीं पता था। पैसे पा रहे हैं मुझे नहीं, ये नहीं कह रहा है कि मतलब नहीं मालूम है, ये सब नहीं कह रहा है, मतलब हम ये कह रहे हैं मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बस अच्छा हार नहीं मिला, हार नहीं मिला। भाभी जी सेलिब्रिटी है, आपको मस्त कहीं हॉल और बुक करके इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए था। मान लीजिए नहीं, हम बर्थडे के लिए कभी गुस्सा नहीं होते दोस्तों। सबसे बड़ा आज किए थे गोरखपुर का प्रीमियर, कौन सा ओरियन मॉल था, ओरियन मॉल नंबर 1 पे वही है जिसमें हम जाना नहीं चाहते। नंबर 1 पे वही है, तो चलिए यहाँ पे पूरी तैयारी है बर्थडे की, तो आइए इनके यहाँ पे छनछन बेटी है, इनसे भी पूछते हैं। बाबू कैमरा में थोड़ा इनके फोकस करिएगा। तो बाबू आप मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मम्मी को क्या गिफ्ट देने वाली? देख लेना। अच्छा आज कहाँ मम्मी के साथ गई थी, कहीं घूमने उमने गई? क्या हुआ क्या हुआ? लोग मजा क्यों लेते हैं? आज हमने अपने चैनल पे वीडियो डाल दिया कि हमारे और महाजन जी में झगड़ा हो गया, तो बहुत सारा ब्रेकिंग न्यूज बन गया कि सारे लोग वीडियो बनाने लगे कि अरे अब तो महादेव जी का और गोरखप्रिया भौजी का झगड़ा हो गया, किसका भी हक ऐसा होगा वैसा हो गया। दोस्तों आप लोग बताइए, हम लोग अरेंज मैरिज नहीं किए, हम लोग लव मैरिज किए हैं, हम नहीं चाहते कभी भी लव मैरिज का बदनामी हो। तो आपसे एक क्वेश्चन चाहिए कि आपके दिल में जब तक हम लिए आप ही रहे, दूसरा कौन रहेगा? मुझे मान लीजिए बच्चन कोई फोर्स नहीं करेगा, नहीं है यहाँ पैसे को दिल नहीं बिकता है, पैसे को प्यार दिया था मजा। बच्चन का बात है यार, अब तुम्हारे खातिर पूरा जान दे दे बच्चन को। खुशी है प्यार है भाभी का आपके लिए, मतलब रसियन तो नहीं लाएंगे रसियन।
धाकड़ जी फोन दीजिए। तो हेलो दोस्तों, इधर डीजे चल रहा था इसलिए यहाँ का भी गाना काट कर आवाज़ डालना पड़ रहा है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, चैनल पे दिक्कत हो जाता है, बहुत सारा वीडियो हटाना पड़ गया है जो जल्दबाजी में सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इधर तो डीजे बंद हो गया, अभी तक खूब डांस हो रहा था, अभी तो। हेलो दोस्तों, इधर देख सकते हैं केक कटने के बाद थोड़ा बहुत डांस हुआ है, तो इधर भाभी डांस की हैं, उनके जो बच्चे हैं सभी बच्चे लोग डांस कर रहे हैं। डीजे चल रहा था, हमने डीजे का गाना काट कर आवाज़ डाला है, बहुत प्यारा गाना यहाँ पर चल रहा है, सभी लोग मस्ती कर रहे हैं।